शुक्रियादों के साथ इसमें मौजूद हैं शिशुआ ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा शुगौली में और ग्राम सभा शुगौली के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान जलालुद्दीन जी से जो है कि खास बातचीत हमारे एमएनटी न्यूज के द्वारा हमारे वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र गोस्वामी जी जो है और शुगौली के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान जी से जो है कि खास बातचीत करेंगे ग्राम प्रधान जी से। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एमएनटी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। हम इस समय शिशुआ ब्लॉक की ग्राम सभा शुगौली में उपस्थित हैं, जहां पे हमारे नवनिर्वाचित प्रधान जलालुद्दीन जी हैं हमारे साथ। आइए इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार प्रधान जी, आपका स्वागत है एमएनटी न्यूज में। क्या कहना चाहेंगे आप प्रधानी को लेकर, क्या कहना चाहेंगे आप? प्रधानी विजय हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? हो चुके हैं, दोबारा मैं प्रधान हुआ हूँ। मैं गांव के हित में काम किया हूँ, गांव फिर हमको दोबारा प्रधान बनाया है। हम प्रधान हो चुके हैं, जो यहाँ के मान लो कारोबार था सब पूरा गांव का इंटरलॉकिंग करा दिए हैं। लोग खुश होकर फिर दोबारा हमको प्रधान बनाया है। प्रधान जी ने कहा कि इनके वहाँ जो भी विकास से संबंधित कार्य थे वो पूर्ण हो गए हैं और भी जो बाकी काम है वो आगे ये करते रहेंगे। इनके प्रतिनिधि जी हमारे साथ, आइए इनसे थोड़ा मिलते हैं। जी सर, आपका शुभ नाम क्या है? मैं मास्टर अफसर है, ग्राम प्रधान जलालुद्दीन के प्रतिनिधि हैं जी। हम लोग पिछले कार्यकाल में जनता के हित में काम किए हैं, सबके साथ में, सबका साथ सबका विकास, यही हम लोगों का नारा है। किसी के साथ भेदभाव नहीं, सबके साथ एक समान निगाह से काम किया जाता है। ये हमारे तरह हमारे वहाँ दोनों समुदाय के लोग हैं, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं और हिंदू वर्ग के लोग हैं, लेकिन सबके साथ समान व्यवहार किया जाता है। सबके साथ अगर आवास बनवाना है तो दोनों पक्ष के, ये नहीं कि पक्षपात नहीं किया जाता है। यानी सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास जो है, इस नारे को लेकर प्रधान प्रतिनिधि ने कहा कि इस गाँव का विकास किया जा रहा है। कब से प्रधान की रही है? अभी सुनने में आया कि ये दोबारा प्रधान बने हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या लोगों का विचार रहा है? जनता के हित में काम किया गया, इसलिए जनता खुश हो करके पुनः जलालुद्दीन को प्रधान बनाई और इसे पूरे गांव के जनता और नगरवासियों को हम लोग धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं कि उन लोग के हित में काम किया गया, इसलिए वो पुनः खुश हो करके जलालुद्दीन को प्रधान चुने हैं और जनता के हित में काम किया जाएगा। पुनः गांव का बहुत ही विकास किया गया, कचड़े में गांव तब्दील था, इंटरलॉकिंग कराई गई, बहुत नालियां बनाई गई, लगभग 50 से 60 तक वृद्धा पेंशन बनाया गया, उसके बाद शौचालय लगभग 100 से अधिक बन गए हैं, 35 के लगभग जो है आवास भी दिया गया है यहां पे, से जाएगा, कोई घर ऐसा नहीं रहेगा कि जिसके घर शौचालय न बना हो, न बने, सबका बनेगा। इस तरह से पिछले कार्यकाल में हम लोगों ने 187 राशन कार्ड बनवाए, जबकि हमारे यहाँ मात्र 30 राशन कार्ड थे, जिसको इस समय पात्र गृहस्थी में 187 लोगों का है। प्रत्येक घर में राशन आता है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि राशन न पाता हो। इस तरह से हम लोग का काम ही है कि जनता के हित में काम करना, न कि अपने स्वार्थ। जी जी, इस समय लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, कोविड महामारी अपने चरम सीमा पर है, सरकार अपने हर संभव प्रयास कर रही है कि ये महामारी किसी तरह समाप्त हो। ऐसे में सुनने में आया कि बहुत से प्रवासी मजदूर जो है अपने घर आए हैं, उनके लिए रोजगार के लिए क्या व्यवस्थाएं की जा रही है प्रधान जी के तरफ से, क्या आप कहना चाहेंगे? जो बाहर से प्रवासी यहाँ आए हैं, अगर उनको काम नहीं मिल रहा है तो हम लोग मनरेगा चला करके उसमें लोगों को काम देते हैं, जिसके तहत उनकी रोजी रोटी चल जाती है और उसकी दिक्कतें खत्म हो जाती है और उधर राशन भी मिल जाता है। हम लोग जहाँ तक कोशिश करते हैं कि कोई भी मजदूर ऐसा ना हो कि वो उसको परेशानी उठानी पड़े, सबके हित में ही काम किया जा रहा है। अगले 5 सालों में जो जनता प्रधान जी को ये ताज सौंपी है, क्या मुद्दे रहेंगे, क्या विकास के ऐसे एजेंडे रहेंगे कि आप उसको लेकर विकास करेंगे, क्या कुछ नया रहेगा इस गाँव के लिए? नया हम लोगों की निगाह में ये है कि ये देखिए, खास जो है हिंदू वर्ग के लिए छठ घाट नहीं है, उस घाट को बनवाने के लिए हम लोग अभी से सोच रखे हुए हैं। अल्पसंख्यक वर्ग में कब्रिस्तान है, उसकी बाउंड्री वाल के लिए सोच रहे हैं और बाकी जहां भी सौर्य लाइट की ज़रूरत पड़ेगी उसको भी लगाया जाएगा
और जहाँ भी टूटा फूटा रास्ता भी है उसको सुधार किया जाएगा। अभी आपने कहा है कि छठ घाट के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो क्या ये सिर्फ सोच में ही रहेगा कि आगे चल के कार्य रूप में भी परिणत होगा? नहीं, हम लोग जो काम सोचते हैं उसको करते हैं, करके दिखाते हैं कि ये है, तभी तो फिर जगह मिली हम लोगों के लिए। जी जी, ऐसा माना जा रहा है कि ये जो छठ पर्व है आज पूरे इंटरनेशनल स्तर पर ये बहुत बड़ा त्यौहार बन के उभरा है, और इसके पहल के लिए छठ घाट के लिए हमारे प्रधान प्रतिनिधि भी विकास की बात कर रहे हैं कि आगे चल के छठ घाट का निर्माण कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, MNT न्यूज में आप लोग आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।